पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल मचाकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ देर रात दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने एक बार फिर राज्य में हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम ममता बनर्जी को इस संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद कोई भी अधिकारी, मंत्री या सीएम घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। असल में गवर्नर धनखड़ ने एक चिट्ठी ममता सरकार को लिखी थी और साथ ही उसे मीडिया के लिए भी जारी किया। उसके बाद ये खत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस चिट्ठी में धनखड़ ने सरकार से कहा कि वो इस दिशा में जरूरी कदम उठाएं। उनका कहना है कि हमें खून से लथपथ बंगाल नहीं चाहिए, इस धरती पर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से उठा हो। मैं जानता हूं कि यहां किसी का भी मन भय से मुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि भय इतना अधिक है कि लोकतंत्र अंतिम सांस ले रहा है। मैं सरकारी अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र पनपे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आवश्यक कदम उठाएंगी और सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी। हम बंगाल में आग नहीं लगने दे सकते। ममता सरकार ने गवर्नर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हिंसा को रोकने की कोशिश सही तरीके से की गई। सरकार ने सवाल दागा कि गवर्नर एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो सीएम को लिखी चिट्ठी सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं। टीएमसी का कहना है कि इस तरह का आचरण मर्यादा के अनुकूल नहीं है। राज्य के गृह विभाग ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और राज्यपाल द्वारा पत्र को सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के कदम की आलोचना की और इसे तय नियमों का उल्लंघन करार दिया। गृह विभाग ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने निराशा के साथ ये पाया कि बंगाल के माननीय राज्यपाल ने उनके द्वारा राज्य की मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को अचानक सार्वजनिक किया और पत्र की सामग्री वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं है। संचार का ये तरीका सभी तय नियमों का उल्लंघन है। इसे लेकर राज्यपाल ने कहा कि मैंने सीएम से मामले को लेकर जानकारी देने को कहा था और पूछा था कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है। मैं ये जानकर सकते में हूँ कि राज्य के गृह मंत्रालय ने मेरे पत्र पर इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। इस तरह की प्रतिक्रिया देना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस और प्रशासन अपनी कानूनी सीमा को भूल चुके हैं। इससे पहले राज्यपाल ने दिल्ली रवाना होने से कुछ घंटे पहले पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से उठाए गए मुद्दों पर जल्द बातचीत करने का आग्रह किया। उन्होंने बनर्जी को लिखे पत्र में कहा, मैं चुनाव के बाद प्रतिशोधात्मक रक्तपात, मानवाधिकारों का हनन, महिलाओं की गरिमा पर हमला, संपत्ति का नुकसान, राजनीतिक विरोधियों की पीड़ाओं पर आपकी लगातार चुप्पी और निष्क्रियता को लेकर विवश हूँ। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ की इस चिट्ठी से सूबे की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। पहले से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बनी बीजेपी और टीएमसी के बीच इससे खटास और ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर पार्टी विधायकों के साथ बैठक की थी। इसमें चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल पर आरोप चढ़ा गया था। इस बैठक के बाद शुभेंदु अधिकारी के साथ करीब 50 नेताओं ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल धनखड़ ने सीएम को चिट्ठी लिख डाली और उसे सार्वजनिक कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।